टाइम ट्रैवल मूवीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इस तरह के मूवी लूप, पैराडॉक्स और थ्रिलर से भरे हुए होते हैं। स्वागत है मेरे चैनल स्टेक अप मूवीज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 20 टाइम ट्रैवल मूवीज। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बीसवें नंबर पे आता है मैन इन ब्लैक 3। यहाँ पे एजेंट जे को बोरिस जानवर को हरा के एजेंट के को बचाना होता है। 19वें नंबर पे आता है हॉट टब टाइम मशीन। ये एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। यहाँ पे कुछ लोग हॉट टब में से होके पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में ये लोग दोबारा से उसका मजा उठाते हैं। 18 नंबर पे आता है द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ। ये एक रोमांस फैंटेसी मूवी है। और 17 नंबर पे आता है अबाउट टाइम। ये भी पिछले मूवी की तरह ही है। इस मूवी में टीम पास्ट में जाता है और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 16 नंबर पे है प्राइमर। हो सकता है आपको ये मूवी इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन ये मूवी मेरे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये दूसरे मूवी की तरह फैंटेसी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में फिजिक्स और इंजीनियरिंग यूज हुआ है। इस मूवी में कुछ इंजीनियर दोस्त एक टाइम मशीन बनाते हैं और उस टाइम मशीन का यूज करके वो टाइम में पीछे जाते हैं और न्यू टाइमलाइन का क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये मूवी, आप अगर इस मूवी को समझते हैं तो ये मूवी भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। 15 नंबर पे आता है 2002 की मूवी द टाइम मशीन। इस मूवी में साइंटिस्ट अलेक्सेंडर हेटरजेन एक टाइम मशीन बनाता है और पास्ट में जाके अपने गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। तो ये मूवी देखिए, तो क्या ये अपने गर्लफ्रेंड को बचाने में कामयाब हो पाता है। 14 नंबर पे आता है मिस्टर पीबॉडी एंड शर्मन। ये एक एडवेंचर एनिमेटेड मूवी है। इस मूवी में देखिए कि कैसे ये लोग वक्त में पीछे जाके दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ कहाँ पे घूमते हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं। 13 नंबर पे आता है डोनी डार्को। डोनी डार्को जो एक अलग किस्म का टीनेजर था, उसे एक बनी के फिगर वाला चीज दिखाई देता था जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक एक बार डोनी को बताता है कि 28 दिनों में दुनिया खत्म होने वाला है। तो इस मूवी में आप देखिए कि कैसे डोनी दुनिया को बचाता है। 12 नंबर पे आता है 2015 की मूवी सिंक्रोनिसिटी। इस मूवी में एक फिजिसिस्ट टाइम में आगे पीछे जाता है और एक लड़की की असलियत जानने की कोशिश करता है और अपने टाइम मशीन को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए कोशिश करता है। 11 नंबर पे आता है बैक टू द फ्यूचर ट्रायोलॉजी। ये तीनों ही मूवी भले ही पुराने हों लेकिन एक्शन और एडवेंचर में भरे हुए हैं। इस मूवी में एक साइंटिस्ट मार्टी को टाइम ट्रैवल करवाता है और देखिए कैसे मार्टी वक्त में आगे पीछे जाके अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाता है। 10वें नंबर पे आता है प्रोजेक्ट अल्मनाक। डेविड के पिता के टाइम मशीन के डिजाइन को लेकर डेविड और उसके दोस्त टाइम मशीन बना लेते हैं, लेकिन उनके इस टाइम ट्रैवल को लेकर एक खतरनाक पैराडॉक्स बन जाता है। तो देखिए ये लोग कैसे उस पैराडॉक्स से निकलते हैं। 9 नंबर पे आता है सी यू यस्टरडे। इस मूवी में दो साइंस स्टूडेंट एक बैकपैक बनाते हैं जो कि उन्हें टाइम ट्रैवल करवा सकता है। ये दोनों उस बैकपैक को यूज करके अपने मारे गए इनोसेंट भाई को बचाने की कोशिश करते हैं। 8वें नंबर पे आता है टुमारोलैंड। ये एक साईफाई एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में फ्रैंक और केसी टुमारोलैंड की खोज में निकल पड़ते हैं। टुमारोलैंड जो कि स्पेस टाइम का एक मिस्टीरियस जगह है जहाँ पे ना ही कोई कभी गया है ना के बारे में कभी सुना है। तो इस मूवी में देखिए कि कैसे ये लोग टुमारोलैंड में एक्सप्लोर करते हैं।
सातवें नंबर पे आता है 24, इसे कि टाइम स्टोरी भी कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये एक टॉलीवुड मूवी है जहाँ पे सूर्या तीनों ही मेन किरदार पे हैं। इस मूवी में जो साइंटिस्ट का इविल भाई था, वो किसी भी कीमत में उस टाइम मशीन को हासिल करना चाहता था, और उसका बेटा कैसे इसे होने से रोकता है इस मूवी में देखिए। छठे नंबर पे आता है इन द शैडो ऑफ द मून, ये 2019 की मूवी है। इस मूवी में एक मिस्टीरियस किलर हर 9 साल में दिखाई देता है, फिर मर्डर करके गायब हो जाता है, और एक डिटेक्टिव उस किलर को पकड़ने के लिए जी जान कोशिश करने लगता है। तो देखिए क्या होता है जब वो डिटेक्टिव उस किलर को पकड़ लेता है। पांचवें नंबर पे आता है सोर्स कोड, ये एक रिपीटिंग लूप मूवी है। इस मूवी में एक ब्लास्ट को रोकने के लिए एक आदमी को बार बार ट्रेन में भेजा जाता है जब तक कि वो इस काम में सफल नहीं हो जाता। तो ये मूवी देखिए कैसे ये काम को ये अंजाम देता है। चौथे नंबर पे है इंटरस्टेलर। आप सोच रहे होंगे कि इंटरस्टेलर तो पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन ये स्पेस मूवी है, इसमें ज़्यादा टाइम ट्रेवल नहीं है, इसलिए मैं इसे चौथे नंबर पे रखा हूँ। इस मूवी में देखिए कि कैसे कूपर अपने स्पेस वॉयज में एक ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, और उसमें से होके एक टेसरेक्ट में घुस जाता है, फिर उस टेसरेक्ट में से कैसे ये पृथ्वी में फिर से आ जाता है इस मूवी में देखिए। अभी तीसरे नंबर पे है 12 मंकीज, ये 1995 की मूवी है। इस मूवी में एक अपराधी को पास्ट में भेजा जाता है, इसे 12 मंकीज नाम का एक ग्रुप का पता लगाना होता है जो कि पास्ट में वायरस को फैलाने में जिम्मेदार था। यह मूवी पूरा मिस्ट्री और थ्रिलर से भरा हुआ है, ये मूवी आप जरूर देखिए। दूसरे नंबर पे रखा हूँ मैं 2012 की मूवी लूपर को। जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये एक टाइम लूप मूवी है। इस मूवी में अपराधियों को फ्यूचर से पास्ट में भेजा जाता है सजा देने के लिए, और उनको सजा देने वालों को लूपर्स कहा जाता था, और जो नाम का ये आदमी उनमें से एक लूपर था। तो एक दिन जो अपने आप को ही उसी लिस्ट में पाता है, देखिए इस मूवी में कि कैसे ये अपने आप को उस लूप से निकाल पाता है। अभी बारी है पहले नंबर की, और पहले नंबर पे है प्रीडेस्टिनेशन। जी हाँ, प्रीडेस्टिनेशन, इसी नाम से एक टाइम पैराडॉक्स भी है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग या एंडिंग का कोई अता पता नहीं होता, ये ऐसे ही चलता रहता है। इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि इसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है। इस मूवी में आपको एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा, कौन सा आदमी किस काम के लिए जिम्मेदार है ये भी बोल पाना मुश्किल होगा। इस मूवी को देखने के बाद आप भी सोचिए कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में कोई फंस सकता है क्या। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल स्टेक अप मूवीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियो लेके आने वाला हूँ, और आप कमेंट में भी लिखिए कि आपको किस तरह का मूवी देखना पसंद है, तो मैं उस तरह का भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।